नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परीक्षा प्लस पे। मैं हूं आलोक शुक्ला और आपके लिए लेके आया हूं 15-16 मार्च का करंट अफेयर्स। ऐसे सारे समसामयिक मुद्दे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। अगर हम देखें तो जैसा ट्रेंड है करंट का, वो दिन पे दिन बदलता जा रहा है। सारी परीक्षाओं में, वो चाहे सिविल सर्विसेज हों, वो चाहे वनडे एग्जाम्स हों, वो चाहे एसएससी बैंक हो, सभी में करंट का अपना रोल बढ़ता चला जा रहा है। और हर आयोग जो इससे पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उनके भी लेवल और पूछने का तरीका दिन पे दिन बहुत ज़्यादा इनोवेटिव और बहुत ही ज़्यादा चेंज करते जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारा वो तरीका अब बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया है कि हम कोई मैगजीन उठा लें या कुछ भी कर लें और उसके बाद एक बार पढ़ के निकल जाएँ। हमें करंट को अब एनालाइज करना होता है। तो इसीलिए मैं इस पूरे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम को, जो आपका डेली बेसिस पे होगा, आज तो ये क्लास थोड़ा लेट हो गई, लेकिन कल से आपको मॉर्निंग में 8 बजे से पहले पहले ही क्लास मिल जाएगी। ये तो उस क्लास में हम सारे उन समसामयिक मुद्दों पे बात करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, और ऐसे प्रश्नों के साथ हम इसका समापन करेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे और आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो देरी ना करते हुए हम इस क्लास की स्टार्ट करते हैं। आते हैं हम सबसे पहले पॉइंट पे, जो आपका विंग्स इंडिया 2020 का हो रहा है। ये आप जानते हैं कि हर 2 साल में, 2 ईयर्स में, ये विंग्स इंडिया प्रोग्राम होता है, जो कि इस बार हैदराबाद में हो रहा है 12 से 15 मार्च के बीच में। कल इसका समापन था, तो इससे रिलेटेड इससे पहले भी खबर हमने आपके लिए लेके आया था, लेकिन अब क्योंकि समापन हो गया है तो इसमें क्या क्या प्रोग्राम हो गए हैं और क्या क्या जरूरी है वो सब जानना जरूरी था। तो एक बार हम देख लेते हैं ऊपर ऊपर क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। तो नागर विमानन और एरोस्पेस की द्विवार्षिक प्रदर्शनी, मैंने बोला ना बाइनियल द्विवार्षिक प्रदर्शनी, विंग्स इंडिया 2020 हैदराबाद के पेगम पेट हवाई अड्डे पर प्रारंभ हुआ। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये जो आपका समापन हुआ है या जो ये एविएशन हुआ है विंग्स इंडिया 2020, कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। हैदराबाद में कहाँ पे हुआ है? बेगम पेट हवाई अड्डे पे। बेगम पेट हवाई अड्डा, पुराना हैदराबाद हवाई अड्डा भी कहा जाता है। यह प्रदर्शनी नागर विमानन मंत्रालय द्वारा किसके द्वारा आयोजित कराया गया है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये नागर विमानन मंत्रालय द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल, फिक्की जिसे बोलते हैं, FICCI के सहयोग से आयोजित की गई है। अगर हम इसके विषय की बात करें तो जो इसका विषय है, सभी के लिए उड़ान है। तो बहुत ध्यान देंगे कि इसके विषय से क्वेश्चन बनता है। अभी CGL में, SSC CGL में ही इससे प्रश्न बना था, क्योंकि ये आयोजित होना था उस समय। और देखिए, ऐसे जो प्रश्न यहाँ इसमें कैसे बनते हैं आयोजन वाले, आप एकदम दिमाग में रखिएगा कि वो प्रश्न नहीं बनते जिनका आयोजन हो चुका है, जो 5-6 महीने बाद होने होते हैं परीक्षा की तिथि से, वैसे आयोजन के प्रश्न परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि अगर यहाँ से कुछ और भी क्वेश्चन बन सकता है तो क्या बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है कि बेगमपेट हवाई अड्डा किस और नाम से जाना जाता है, तो उसका दूसरा जो नाम है वो पुराना हैदराबाद हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि बेगमपेट हवाई अड्डा का निर्माण किसने करवाया, तो आप जान लीजिए कि मीर ओस्मान अली खान ने 1930 में इसको स्थापित करवाया था। ये हैदराबाद के अंतिम निजाम थे। तो आजकल जो करंट अफेयर्स में है, वो ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ ले, उसके हिस्ट्री में जाता है, उसकी पॉलिटी में जाता है और वहाँ से वो क्वेश्चन उठाता है। इसलिए यहाँ पर ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। चलिए देर ना करते हुए हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भारत में मोबाइल फ़ोन की संख्या देश के वयस्क आबादी से ज्यादा है। मतलब अगर हम भारत की बात करें तो यहां पे मोबाइल जो यूजर्स हैं वो देश में जितनी पॉपुलेशन है उससे कहीं ज्यादा हो गई। और हो भी क्यों ना भाई, आज हम देखें स्मार्टफोन के जमाने में तो ये हर इंसान का एक फोन से तो काम ही नहीं चल रहा है, वो एक से ज्यादा 2 या 3 फोन रख ही रहा है, मिनिमम 2 फोन तो इंसान के पास हो ही रहा है। तो यही कारण है कि जो भारत है वो मोबाइल फोन की संख्या का सबसे ज्यादा यूजर्स हो गया है। यहां पे पॉपुलेशन से ज्यादा भी ज्यादा यूजर्स हैं मोबाइल के, इनकी जो कुल संख्या है वो 115.14 करोड़ हो गया है, जबकि 2011 के जनगणना के अनुसार इसकी कुल आबादी 108.85 करोड़ ही है। अगर हम 5 टॉप 5 राज्यों की बात करें, स्टेट की बात करें, कि जहां पे सबसे ज़्यादा मोबाइल यूजर्स हैं, तो नंबर 1 पे आपका यूपी आ रहा है, और एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। खासकर ये यूपी करंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, यूपी करंट में पूछ सकता है, और बहुत सारे UP SSC के एग्जाम अब इकोनॉमिक और इस पर यूपी के करंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुट कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपको एकदम नहीं भूलना है, रट लेना है, दिमाग में बिठा लेना है कि सबसे ज़्यादा उपभोक्ता, मोबाइल उपभोक्ता का जो राज्य है वो यूपी है। और अगर हम बड़े शहरों की बात करें तो दिल्ली में
सबसे ज्यादा मोबाइल फोन यूज करने वाले लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, 5.29 करोड़, 5.29 करोड़। अगर हम और की बात करें तो राज्यों में यूपी के बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, फिर आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, फिर बिहार का नंबर आता है, फिर तमिलनाडु का नंबर आता है। और टॉप थ्री अगर हम यहाँ पे राज्य नहीं शहर होंगे, प्रमुख शहर की बात कर रहा है, टॉप थ्री उपभोक्ता वाले प्रमुख शहर जो होंगे वो क्या है, पहले पे दिल्ली है, दूसरे पे मुंबई है और तीसरे पे कोलकाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसे भी हमें ध्यान में रखना है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि क्या बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, वो है ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कातेरीना केल्ला पोलो बनी है। कैटरीना केल्ला पोलो भी बोलते हैं हिंदी में, कातेरीना केल्ला पोलो इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ये ग्रीस की राष्ट्रपति बनी है जो कि पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। इससे पहले कोई भी महिला राष्ट्रपति ग्रीस की नहीं बनी थी। तो ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है ये आपको रट लेना है, कातेरीना केल्ला पोलो। किससे ये हटा के बनी है, तो वो है प्रोकोपिस पाओलो पोलस, इनकी जगह पे ये आई हैं अभी। वह काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ ग्रीस की पहली महिला प्रमुख भी हो गई हैं इसके साथ साथ ही, और साथ ही में कमांडर इन चीफ भी बन गई हैं जो एक औपचारिक पद है वहाँ का। अगर हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें, क्योंकि एक तो यहाँ से आपका स्टेट क्वेश्चन बन जाएगा कि हाल ही में ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुई हैं, तो वहाँ पर आपका उत्तर तो कातरीना केल्ला पोलो आप एक बार पढ़े रहोगे दिमाग में आ जाएगा। लेकिन SSC जैसे पेपर में या जो पेपर TCS कराता है, हम TCS पैटर्न की बात करें, इसीलिए मैं इस प्रोग्राम को बहुत ही इनोवेटिव वे में लेके आया हूं। TCS पैटर्न की बात करें तो वहां पे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ना पूछ के उसके इतिहास में जाता है, उसके भूगोल में जाता है, उसके पॉलिटी में जाता है। तो हम यहां पे सारे इंपॉर्टेंट चीज एक बार देख ले रहे हैं कि ग्रीस से रिलेटेड क्या इसकी ज्योग्राफी है, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो जो ग्रीस है आपका, यहां पे आप देख रहे होंगे, ग्रीस आपका यूरोप में, साउथ ईस्ट यूरोप में एक कंट्री है जिसकी राजधानी एथीन्स है। तो ग्रीस का ऑफिशियल नाम जो है वो हेलेनिक रिपब्लिक है, हेलेनिक रिपब्लिक के नाम से ग्रीस को जानते हैं। दक्षिण पूर्वी यूरोप में है, साउथ ईस्ट यूरोप में एथेंस इसकी राजधानी है, और राजधानी के साथ साथ ही जो एथेंस है, एथेंस भी बोलते हैं, एथेंस भी बोलते हैं, ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। अगर हम करेंसी की बात करें तो यूरो है, और अगर हम ग्रीस की और बात करें तो विश्व की बहुत सारी ऊंचे पहाड़ियाँ पर्वत यहाँ ग्रीस पे पाई जाती हैं, जहाँ पे माउंट ओलंपस जो है वो सबसे ज़्यादा ऊंची, सबसे बड़ा पर्वत है यहाँ का, कहाँ का, ग्रीस का है। और इसी के नाम पे ओलंपिक खेल जो आपका आयोजित होता है, ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम ग्रीस में ही शुरुआत हुआ, और वो माउंट ओलंपस से ही उसका रेफरेंस लिया गया था। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, हम नेक्स्ट पे आते हैं। मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम MIEWS वेब पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। क्या है ये वेब पोर्टल, देखिए सबसे पहले तो ऑपरेशन ग्रीन आप इसके बारे में जानते होंगे, तो ऑपरेशन ग्रीन को थोड़ा और सुचारू बनाने के लिए, थोड़ा और सहज बनाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो आपके हरसिमरत कौर बादल हैं, ये हैं आपके हरसिमरत कौर बादल, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज है ना, इन्होंने क्या किया है, क्या लॉन्च किया है, MIEWS मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये आप कहाँ पे देख पाएंगे, अगर आप HTTP या HTTPS भी हो जाए, MIEWS.nafed-india.com खोलेंगे तो इस वेबसाइट को आप ऐसा कुछ यहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे आपका जो तीन आपके फसल हैं, बोलिए ऐसा सब्जियाँ हैं, जो टमाटर प्याज और आलू के कीमतों के बारे में वास्तविक समय की निगरानी ये करता है पोर्टल, ठीक है ना। ये ऑपरेशन ग्रीन जो है वो आपका 2018 में स्टार्ट किया था। ऑपरेशन ग्रीन की शर्तों के तहत हस्तक्षेप करने वाला अपनी तरह का पहला मंच ये बन गया है। तो यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से ले सकता है। ऑपरेशन ग्रीन से, ऑपरेशन ग्रीन्स बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रीन्स लिखते हैं, ध्यान रखिएगा ग्रीन नहीं होता है, ग्रीन्स होता है ना। ऑपरेशन ग्रीन्स की बात करें तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। ऑपरेशन ग्रीन्स की जो घोषणा थी वो केंद्रीय बजट 2018-19 में की गई थी। ऑपरेशन ग्रीन योजना की शर्तों के अनुसार बहुतायत की स्थिति के दौरान, जब मान के चलिए कि अभी आपकी जो सब्जियां हैं, खासकर ये TOP जिसे बोलते हैं है ना, टोमेटो ऑनियन और पोटैटो, मतलब कि टमाटर, आपका प्याज और आपका आलू, उत्पादक क्षेत्रों में उपभोग केंद्रों तक अधिशेष उत्पादन की निकासी निम्नलिखित
निम्नलिखित अनुसार निर्धारित की जाएगी। मतलब कि अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कुछ आपके पॉइंट पे डिपेंड करता है। ये पॉइंट क्या है कि जब फसल की कटाई की कीमतें 3 साल के औसत बाजार मूल्य से नीचे आती हैं, या ऐसा हो जाए कि पिछले साल जो मूल्य था उससे 50% अधिक गिर जाए, या किसी गवर्नमेंट ने, राज्य या केंद्र सरकार ने जो सीमा निर्धारित कर दी हो उससे कम हो जाए, तो यहाँ पे इसका रोल आता है। वहाँ पे निकासी के लिए कुछ निर्धारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यह है MEIS योजना को रोड टैप, है ना, योजना के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। क्या है MEIS योजना? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, इसका जो फुल फॉर्म है इसका ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, सीधा फुल फॉर्म पूछ लेता है या दे के आपसे पूछ लेगा, ई का मतलब क्या है तो आप एक्सपोर्ट है, या एम का मतलब क्या है, तो मर्चेंडाइज इसे ध्यान में रखिएगा, एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया योजना को वापस लेने की मंजूरी दी गई है। इसके स्थान पर रोड टैप, रोड टैप क्या है, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट योजना का शुरू किया गया है। MEIS को कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण प्रतिस्थापित किया गया है। कोरोना वायरस इस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा महामारी भी मतलब साबित कर दिया गया है, तो इसका असर सारी चीज़ों पे दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। इसके कारण MEIS को रोड टैप से किया गया है। MIS में पहले क्या होता था, 2 से 5% के बीच निर्यात प्रोत्साहन दिया जाता था, इंसेंटिव दिया जाता था, ऐसा जैसे सब्सिडी होती है या कुछ होता है, तो गवर्नमेंट जो एक्सपोर्ट यहाँ से करते थे, कुछ फसल्स होती थी या कुछ भी होता था, उनको कुछ इंसेंटिव देते थे ताकि वो लोग अट्रैक्ट हों और उनकी वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा भी बढ़े। तो अभी क्या है, MEIS को रोड टैप से किया गया है रिप्लेस। क्यों किया गया है, क्यों जरूरत पड़ गई, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि MEIS में कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं हो पाती थी। जैसे क्या होता था कि मान के चलिए कि एक्सपोर्ट हो रहा है, ओशन के थ्रू हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि डीजल की जरूरत जो होती थी, डीजल की जो खपत होती थी, वो MEIS के अंतर्गत नहीं होता था। मतलब बाकी चीज़ों का तो इंसेंटिव मिल जाता था, या ऐसा बोल रहे सब्सिडी मिल जाता था, या गवर्नमेंट उन्हें कुछ हेल्प कर देती थी, या उसका जो शुल्क होता था वो कम कर देती थी, लेकिन उसके अंतर्गत डीजल वगैरह या कुछ और ऐसे खर्चे होते थे जो इंक्लूड नहीं होते थे, तो उसकी कॉस्टिंग तो लोगों को झेलना ही पड़ता था। अभी क्या होगा, रोड टैप में वो सब भी इंक्लूड कर लिए जाएंगे, जिससे उनकी जो इंसेंटिव होगा या उनका जो सब्सिडी होगा वो और अच्छा होगा, और ज़्यादा मिलेगा, तो वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे और उनके लिए लाभदायक होगा। तो रोड टैप निर्यातकों के लिए उनके करों और कर्तव्यों की प्रतिपूर्ति करने की एक योजना है। वित्त मंत्री ने 50,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना की घोषणा की है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ऐसा पूछ सकता है कि MEIS को किससे रिप्लेस किया गया है ना, या MEIS का फुल फॉर्म पूछ सकता है, या थोड़ा और भी स्टैंडर्ड बढ़ाएगा तो MEIS की फीचर्स के बारे में, सिग्निफिकेंस के बारे में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अभी रणजी ट्रॉफी शुक्रवार को ही मैच समाप्त हुआ है, इसमें सौराष्ट्र ने आपका मैच जीत लिया है। रणजी ट्रॉफी 2019-20 की इसने बंगाल को हराया है, ठीक है ना। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो सीधा पूछ लेगा कि रणजी ट्रॉफी 2019-20 के विजेता टीम कौन से रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि सौराष्ट्र रही है आपकी विजेता टीम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यवाही दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रख लीजिए। इसका जो थीम है वो है महिला जल और जलवायु परिवर्तन, वुमेन वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। अगर हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य पे जाएं कि जहाँ से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, और भी डीप जा सकता है, अगर TCS वगैरह पेपर सेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, बांधों से प्रभावित लोगों के द्वारा 1997 में कुर्टिबा ब्राजील में एक जगह है, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था, क्योंकि वहाँ पे लोग बांधों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, तो उससे रिलेटेड जो सम्मेलन हुआ था वहीं से उसी दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स के नाम से मनाया जाने लगा। तो प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। यहीं पे और बता दूं, पाई दिवस भी 14 मार्च को ही मनाया जाता है, पाई डे। पाई की वैल्यू 3.1415 करके बढ़ती चली जाती है, ये एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, इसका माना हुआ मान 22/7 भी लोग बोलते हैं, तो ये पाई दिवस भी 14 मार्च को ही मनाया जाता है, ये भी आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है।
नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्या है भूमि राशि पोर्टल। भूमि राशि पोर्टल क्या है, ये बहुत पहले से ही खबर में है, 2018 से खबर में है, लेकिन अभी अचानक क्या हुआ कि जो खबर में आ गया, अचानक इसलिए खबर में आ गया क्योंकि अभी 21 महीनों का जो आंकड़ा आया है वो बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। ऐसा मानिए कि पिछले 21 महीनों में 37,078 हेक्टेयर भूमि को अधिसूचित किया गया है। मतलब पहले जो अधिग्रहण करने में प्रॉब्लम आती थी, रोड्स बनते थे, यहाँ पे दिक्कत होती थी, वो अभी काफ़ी सुचारू हो गई है, कब से भूमि राशि पोर्टल की वजह से। जबकि उससे पहले 4 वर्षों में केवल 33,000, अब देख लीजिए केवल 21 महीनों में 37,000 हेक्टेयर, और जबकि 4 सालों में केवल 33,000 हेक्टेयर भूमि को अधिसूचित किया गया था। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ये आपका जरूरी है कि कौन किया इसने, तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के भूमि राशि पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी आई है। भाई यहाँ पे आपके रोड डेवलप होंगे, नेशनल हाईवेज बनेंगे, तो पब्लिक के लिए वहाँ पे हमेशा फायदा होता है। इसकी शुरुआत महत्वपूर्ण तथ्य देख ले, इसकी शुरुआत जो हुई थी 1 अप्रैल 2018 में हुई थी। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है क्योंकि ये खबर है, तो वो पूछ सकता है कि भूमि राशि पोर्टल कब से आया, राशि पोर्टल। दूसरा क्या हो सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया त्रुटि मुक्त एवं पारदर्शी हुई, इसका जो फायदा हुआ वो क्या हो सकता है। और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी कि जिसे PFMS बोलते हैं, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ ये एकीकृत करके काम कर रहा है, जिससे इसमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा पारदर्शिता आती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अभी खबर में जोसर का पिरामिड बहुत ज़्यादा फिर से चर्चा में आ गया है। क्यों चर्चा में आ गया है, ये पिरामिड तो बहुत पुराना है, ठीक है ना, लेकिन क्या हुआ था, 1992 में एक अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, जब ये पिरामिड टूट गया था, एकदम इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो 2006 से इसका फिर से बनना शुरू हुआ था, है ना। अब जाके ये फिर से 14 सालों के बाद में 6.6 मिलियन डॉलर की लागत के बाद फिर से जो सबसे पहले मिस्र का पहला एवं सबसे प्राचीन पिरामिड। क्यों ये विशेष है, क्योंकि ये मिस्र का पहला एवं सबसे प्राचीन पिरामिड है, ये बहुत ही ज़्यादा विख्यात है, इसलिए खबरों में है और आपके परीक्षा के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। 14 वर्षों में 6.6 मिलियन डॉलर लागत के बाद इसे फिर से रिनोवेट किया गया है, फिर से बनाया गया है। इसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ही क्वेश्चन पूछेगा। क्या हो सकता है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यहाँ पे देख लेते हैं कि इस पिरामिड के प्रारूप को इमहोटेप द्वारा डिजाइन किया गया था। इन्हें कुछ लोग इम्होटेप को विश्व के पहले वास्तुकार भी बोलते हैं, तो आपसे स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व के पहले वास्तुकार कौन है, तो क्या बोल देंगे आप, सीधा इम्होटेप हैं, बिना सोचे समझे दिमाग लगा के तुरंत यहाँ पे रट लेना है। ये पूछ सकता है कि कहाँ पे स्थित है, तो ये सकारा के स्थल पे स्थित है, पुरातात्विक स्थल है, एक सकारा है वहाँ पे स्थित है। इसका जो निर्माण करवाए हैं वो राजा फारोह जोशियर ने करवाए हैं। देखिए इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन जोसर, हिंदी में भी जोसर ही होता है, लेकिन लिखते DGOJOSER होते हैं, इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा, है ना। तो फारोह जोसर के समय में इसका निर्माण कराया गया था, राजा फारोह जोसर को एकदम दिमाग में रखिएगा। चलिए आते हैं लास्ट में, भारतीय इतिहास में 16 मार्च की क्या विशेषता है। इससे 16 मार्च से, क्योंकि आज 16 तारीख है, तो हमें इसके हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है जो भारत के परिप्रेक्ष्य में इम्पोर्टेंट हो। तो 16 मार्च 1527 में खांडवा के युद्ध में बाबर ने राजपूतों के नेतृत्व करने वाले राणा सांगा को, ऐसा बोले, राजपूतों पर विजय प्राप्त की थी, और ऐसे में नॉर्थ में इनका, उत्तर में जो राजपूत होते थे उनकी जगह पर अभी बाबर का वो हो गया था। 16 मार्च 1999 में क्या हुआ था, भारत एवं पाकिस्तान के बीच पहली बस पैसेंजर सर्विस चालू हुई। तो ये TCS वाले यहीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं, कुछ करते नहीं, फिर आप परेशान होते हैं कि ये हिस्ट्री में कहां से उठा लिया, ऐसा नहीं, वो करंट के क्वेश्चन को हिस्ट्री से रिलेट करता है और पूछ लेता है। और यही कारण है कि हम जो करंट का प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं उसमें बहुत ही, उसमें हम आपके TCS पैटर्न को भी फॉलो करेंगे, उसमें आपके UPPSC PCS में जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम फॉलो करेंगे, इवन हम UP SSSC में, क्योंकि UP SSSC तो TCS ही कराता है, तो वो TCS पैटर्न में ही कवर हो जाएगा, और भी अदर एग्जाम जो SSC बैंक UPSI सब कुछ है, तो हर क्वेश्चन को बहुत, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से एकदम इनोवेटिव वे में लेके चलेंगे। लेकिन अभी आज आपने क्या पढ़ा इसको जांचने के लिए जरूरी है कि हम एक क्विज कर लें, और क्विज करने से पता चल जाएगा कि आखिर आपने क्या सीखा है। तो मुश्किल से 1 मिनट में हम थोड़ा यहाँ पे क्विज करते हैं। चलिए आते हैं हम जल्दी से क्विज पे, तो देखते हैं कि आपने क्या पढ़ा है, शुरू करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में ट्राई द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल फोन उपयोग करने वाले सबसे अधिक संख्या वाला राज्य है कौन है? भाई मैंने क्या बताया था, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ ली है? तो कौन शपथ ली है? कातेरिना केल्ला पाउलो यहाँ पे आपकी शपथ ली है। ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिबल्स मनाया जाता है। अभी अभी मैंने बताया कि इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिबल्स, और आपका पाई डे कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में आयोजित हुई रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किसने जीता? तो सौराष्ट्र ने जीता है। अभी अभी मैंने कराया था, ध्यान में रखिए, इसे फेच करिए। किस तिथि को पूरे विश्व में पाई डे के रूप में मनाया जाता है? फिर से सेम क्वेश्चन, कब मनाया जाता है? भाई कंफ्यूज मत होइएगा, 16 मार्च को लेके 14 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम MIEWS वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसने किया है? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री द्वारा, हरसिमरत कौर बादल, है ना। जोसर का पिरामिड कहाँ स्थित है? स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिया, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पूछ लिया, तो कहाँ स्थित है? सकारा में स्थित है। कैरो यहाँ पे दिया ऑप्शन, लेकिन कैरो से करीबन 32 किलोमीटर दूर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भूमि राशि पोर्टल कब लॉन्च हुआ? तो भूमि राशि पोर्टल कब लॉन्च हुआ था? 2018 में लॉन्च हुआ था। कितनी तारीख को? 1 अप्रैल 2018 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। MEIS का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म पूछ ले यहाँ पे, तो क्या है? मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। मशीनरी से आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए तो ये आपका रहा आज का करंट अफेयर्स। हम आपसे इसी के साथ विदा लेते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करंट अफेयर्स आपके लिए जितना भी बेहतर तरीके से हो सकता है, टीम पूरी मेहनत करती है, और आप भी कोऑपरेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी आपका करंट अफेयर्स आए या कोई भी आपका वीडियो लेक्चर्स आता है, कोई भी क्लासेस चलती हैं, तो आपको पता चल जाए। चलिए धन्यवाद।